किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति की कोई भी ताकत नहीं है कि उसको चेंज कर पाए। इफ इट इज लोकतंत्र, अगर वोट तंत्र है तो आप कुछ भी करिए। अब आप बहुमत में हैं, आप जो चाहते हैं वो करते रहे, हमें क्या मतलब है। देखिए मैं आपको बता, तो सबको अपने विचार रखने का अभिव्यक्ति है, आजादी है, वो उसके तहत कुछ भी बोल दे। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या कोई दूसरी पार्टी कुछ भी बोल देती है, ओवैसी तो पता नहीं क्या बोलता है, 15 मिनट में हटा दो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप एक मुद्दे को मत बनाइए। मैं तो मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी भी करेंगे आपका हिसाब कोई नहीं चल सकता उसमें, वो जिसको चुनेंगे वही चुन सकते हैं। मान लीजिए आने वाले टाइम में अगर वो बीजेपी का चुनाव करते हैं तो भी बीजेपी ही रहेगी, आपका कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी आपकी पहुंच नहीं है जो आप उसको चेंज कर सकते। तो इनका ये मतलब है कि अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं आप तो भाई हमें ही चुन सकते हैं, जनता वोटिंग नहीं करेगी। जनता वोटिंग करेगी तो बीजेपी शायद नहीं आ सकती, और तो लोकतंत्र के तरीके से करेंगे तो शायद बीजेपी आ सकती है। तो ये पूरा एजेंडा आया है। चलो करो सवाल करिए, सवाल करिए, तैयार बैठिए। क्या होगा अच्छा, मैं मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, संविधान की बात चल रही है कि संविधान मिशन से एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, उस पर आप अपनी विचारधारा बताइए। संविधान के देखिए, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, हम लोग तो एक आम आदमी जी, इतने बड़े संविधान की छोटे से टाइम में क्या व्याख्या और क्या विचारधारा व्यक्त कर सकता, आप भी समझदार हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस टॉपिक को बिना किसी तैयारी के, बिना किसी समझ के हम कवर नहीं कर पाएंगे। मैं तो पर्सनली कवर नहीं कर सकता, जब मेरे को पूरे संविधान की नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे। दिखाया जा रहा है ना कि संविधान बदलने की बात चल रही है, क्या संविधान में क्या बदलने की बात चल रही है ये बताइए आप मुझे। टीवी चैनल में जो मन करेगा वो दिखा दोगे आप, क्या चीज बदलने की बात हो रही है वो तो आप हाईलाइट बताइए मुझे। मुझे ये संविधान बदलने की बात की जा रही है सर, पूरा हाउ इट इज पॉसिबल। आप यंग हो, युवा है आप, ये पॉसिबल है क्या पूरा संविधान कोई बदल देगा, चाहे कितनी बड़ी गवर्नमेंट क्यों हो। ये कह रहे हैं कि इसमें से पूरा बदला जा चुका है, सिर्फ जिल्द बाकी है। देखिए अगर इस स्थिति में आप लोग दिल्ली के वासिंदे हो, बाहर के वासिंदे हो, आज दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली के अंदर स्वतंत्रता है, संविधान है, सब कुछ ऐसा मानते हैं। मेरा पर्सनल व्यू है, आपने मेरे से पूछ ही लिया, ये लोकतंत्र नहीं वोट तंत्र चल रहा है। अगर लोकतंत्र नहीं वोट तंत्र है ये, अगर लोकतंत्र होता तो संविधान, आपने जैसे मुझे बोला कि संविधान की बदलने की तैयारी है, पब्लिक कौन चाहता था संविधान बदले, तो कैसे संविधान बदल देंगे अगर लोकतंत्र होगा। मांग तो पब्लिक ही कर रही है। पब्लिक कौन है मैडम, आपके पास कोई लिखित है? पब्लिक कौन कर रही है मांग, आपने ये बात कौन कह रहा है? अरे ये देखो आप तो खुद ही इस मैटर को कवर करने आए हो, आप तो खुद ही इस मैटर। नहीं एक मिनट एक मिनट, फिर ये विरोध सर, यहाँ विरोध, यहाँ जंतर मंतर पे भी विरोध हुआ है, संविधान बदलने की बात चली जा रही है। संविधान नहीं चेंज होना चाहिए, उसके विरोध में ये हुआ है। नहीं तुम जब बदला नहीं जा रहे तो विरोध कौन कर रहा है? बोला है कि सवाल है, इस देश में दो विचारधारा है, एक बदलने की बात कर रही है, बचाने की बात कर रही है, दो विचारधाराएं। दो विचारधाराएं कौन कौन सी है आप ही मुझे बताएं। बदलने की बात कर रही है जो, बदलने की बात, की बात कर एक बचाने की बात कर। देखिए मैंने शुरू में ही आपको बोला है, संविधान कोई ऐसी छोटी मोटी वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसको कि ऐसे ही तरोड़ मरोड़ दिया जाए किसी एक विशेष पार्टी के संदर्भ में या विशेष जाति के संदर्भ में। ना तो संविधान, देखिए संविधान किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मोदी जी बदल दे रहे हैं बिल्ला करके, क्या कहेंगे आप? कौन सा डिसीजन बदला गया, ये तो आप दिल्ली की बात कर रहे हो। दिल्ली की भी बात है, चाहे सीजीआई चंद्रचूड़ जो है, जो इलेक्शन कमीशन को लेके बात किए थे कि इलेक्शन कमीशन वो होना चाहिए जिसको तीन बंदे चुनेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, विपक्ष के नेता होगा और स्वयं प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इस चीज को पलट करके अब उन्होंने एक नई चीज लेके आई कि मतलब एक प्रधानमंत्री होंगे और एक उनका मंत्री होगा और तीसरा जो होगा वो विपक्ष का नेता होगा, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। तो अगर लोग चाहेंगे, ये तो लोकतंत्र, अगर आप कहते हो इट्स लोकतंत्र, लोकतंत्र है तो किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति की कोई भी ताकत नहीं है कि उसको चेंज कर पाए। इफ इट इज लोकतंत्र, अगर वोट तंत्र है तो आप कुछ भी करिए। अब आप बहुमत में हैं,
आप जो चाहते हैं वो करते रहिए, हमें क्या मतलब है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अपने आप को, अपने घर को सेव करना पड़ता है, फिर आप मोहल्ले को, क्षेत्र को सेव करोगे, फिर आप अपने इलाके को सेव करोगे, फिर आप देश की बात कर सकते। तो बागेश्वर बाबा यही तो कह रहे हैं कि 2024 से पहले हिंदू राष्ट्र बना के हिंदुस्तान को सेव करना चाहता हूँ। देखिए आप पर्सनल कोई बागेश्वर बाबा जी हैं वो ठीक है, हमारे हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक है। किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो सबको अपने विचार रखने का अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, वो उसके तहत कुछ भी बोल दे। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या कोई दूसरी पार्टी कुछ भी बोल देती है, ओवैसी तो पता नहीं क्या बोलता है, 15 मिनट में हटा दो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप एक दूसरे को मत बनाइए। मैं तो मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी भी पार्टी, किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसी बात बोली जाए जो कि देश के विरोध में हो या व्यक्ति के विरोध में हो जिससे बहुत सारी जनता प्रभावित है, उसको ना लेकिन बागेश्वर बाबा ना कवर। लेकिन बागेश्वर बाबा खबर जानने का, चाहे अगर आप बोलते हो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, आप कहते हो क्यों ना दिखाया जाए, एक गलत आदमी को आप हाईलाइट करोगे अगर आपको लगता है ये बात गलत है पर्सनली, आप उसको बात ही मत करो सर। लेकिन एक सवाल है, बागेश्वर बाबा तो आम जनता है नहीं, उनके साथ 80 करोड़ हिंदुओं जुटे हुए, वो उनका एक इशारा ही काफी है। वो क्या चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए, आप यही तो पूछ रहे होगे। बिल्कुल, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र बनाने में दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है? सेकुलर ही तो देश में रहने में क्या दिक्कत है? सेकुलर शब्द आप मुझे बताइए, आप सेकुलर की बात करते हो, संविधान में कहीं सेकुलर शब्द है? अभी जो जोड़ा गया शब्द है संविधान में, क्या है सेकुलर शब्द है संविधान में? कौन से सन में जुड़ा है? कौन से सन में जुड़ा है? कौन से सन में जुड़ा है? 1947 में नहीं है, हमारा संविधान कब बना है आपको पता? 49 में बना, तब नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। आज जो मोदी जी जो संविधान में संशोधन कर रहे हैं उसको नहीं मानेंगे क्या आप? अब वो पहले आज जो संविधान में संशोधन किया जा रहा है मौजूदा सरकार को लेकर के, कल को कोई सरकार आए उसको उसकी बात नहीं मानेगी, क्या करेंगे आप? आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए अपनी राय बताइए। इनका जो वो ये अंकल ने बोला है कि हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है, बहुत अच्छी बात है हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल इनका सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते तो क्या दिक्कत है? मैं बताना चाहूंगा, नहीं आप पहले बताना चाहूंगा। देखिए आप लोग एक तो ये अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पहली बात तो सेकुलरिज्म पहले हमारे संविधान में शब्द नहीं था, बाबा साहब अंबेडकर ने ही खाली संविधान नहीं बनाया, 272 सदस्य थे उसमें जिन्होंने बनाया है मिलकर, क्योंकि कोई भी देश का डिसीजन एक आदमी नहीं ले सकता। थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे कि मोदी बदल देंगे, कोई भी व्यक्ति विशेष की इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो बदल दे, जब इतने लोगों ने मिलकर संविधान बनाया तो हर कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। अब रही बात किसी भी मुद्दे पे आप बात कर लो, जब तक व्यक्ति विशेष का लोकतंत्र की बात करोगे जब तक सबकी सहमति नहीं होगी कोई भी चीज चेंज कर ही नहीं सकते, बोलते रहो। अगर मैं राष्ट्र हिंदू की बात करता हूँ, आज ये हिंदू राष्ट्र बहुलता में है हिंदू, इसलिए यहाँ पे आपको सेकुलरिज्म दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई दे रहा, आप स्वतंत्र भी दिखाई दे रहे हो। यही चीजें किसी स्थान को आप हटा के पाकिस्तान में ले जाओ, हिंदू बहुल क्या वहाँ पे कोई इंटरव्यू ले सकता है? सर हिंदू अल्पमत में है, बहुल कहाँ रहा? मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं ना। मेरा 835 साल पुराना गांव है, दिल्ली के मूल निवासी हम, हमारे गांव में एक मुस्लिम परिवार था जो हमारे दादा परदादा के टाइम से था, वो बहने आज भी हमारे को राखियां बांधती हैं, मुस्लिम परिवार की बहनें, हमारे से ही उनका गुजर बसर होता है, हम ही हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ है, आने बीते 10 से 12 सालों में क्या हुआ है, हमारे गांव की ग्राम सभा की जमीन के अंदर एक मदरसा बिना गांव की इजाजत के, और एक मस्जिद जो जमीन हमने कब्रिस्तान के लिए दी थी, क्योंकि हमारे गाँव में मुसलमान भी हैं तो उनको वो कहाँ जाएंगे, जिंदगी के आखिरी समय में तो सबको जाना है, ये झगड़े वगड़े तो दिन की बातें होती हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो सबको जगह चाहिए, सुकून चाहिए। हम लोगों ने उनको जमीन दी, जमीन दी कब्रिस्तान के लिए। अब कब्रिस्तान की 9 एकड़ जमीन में से जो है उसका 3/5 हिस्से में अगर मदरसा और मस्जिद बन जाएगा और उसमें से 5 टाइम की जो है नमाज भी अदा होगी, हालांकि ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, और फिर भी आपको जो है सर अब उनका जवाब एक बार ले लीजिए, आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या नहीं है, क्या कर लोगे सर? साथ में बात पर वो नहीं करूंगा, केवल लोकतंत्र को जहाँ तक मैं समझा हूँ
लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अगर वोटिंग की जाती है तो जाहिर है सीधी बात आप समझे इसमें, मैं इसके बाद जाने ही वाला हूँ क्योंकि मैं भी लेट हो रहा हूँ, कि वो लोग अपने हिसाब से चुनाव करेंगे, आपका हिसाब कोई नहीं चल सकता उसमें, वो जिसको चुनेंगे वही चुन सकते हैं। मान लीजिए आने वाले टाइम में अगर वो बीजेपी का चुनाव करते हैं तो बीजेपी ही रहेगी, आपका कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी आपकी पहुंच नहीं है जो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इनका ये मतलब है कि अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं आप तो भाई हमें ही चुन सकते हैं, जनता वोटिंग नहीं करेगी, जनता वोटिंग करेगी तो बीजेपी शायद नहीं आ सकती, और तो लोकतंत्र के तरीके से करेंगे तो शायद बीजेपी आ सकती है। तो ये पूरा एजेंडा आया है हिंदू हिंदू राष्ट्र की मांग पे मुस्लिम से, मुस्लिम जितना विरोध नहीं कर रहे उतना आप लोग कर रहे, आप एक हिंदू हो, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात। अच्छा आप क्या समझते हैं इस चीज में कि मतलब नहीं सोचना चाहिए? नहीं, आप अपनी बात बताइए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आप विरोध कर रहे हो तो बताइए। हिंदू होकर हिंदू राष्ट्रीय मांग पर विरोध कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? आपत्ति बहुत अच्छी बात। देखिए आप इसमें ना दो पॉइंट है, आप एक पॉइंट कह लीजिए कि बाबा है वो अपने आपको मतलब किसी का रूप देते हैं, मतलब पूरा धार्मिक स्थल है उनका, जो उन्होंने बताया बागेश्वर धाम सरकार उस तरीके से उनका स्थल है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जो शब्द कहे थे ना, तो मैं उन शब्द का केवल उन आपसे मैं उस सवाल को उजागर करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। शब्द कहे थे दो तीन थे। देखिए पहला शब्द, एक जब मंच पर होता है तो जयपुर का एक लड़का आता है, वो अपनी थोड़ी बात बताता है जिससे कि वो लड़का जो कि मोमडन के जो है लड़की के साथ अफेयर होता है उसका, वो उस बात को बारे में जानने आता है। लेकिन बाबा थोड़ी सी देर के बाद में उसको कहते हैं कि मतलब लव के बारे में नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन लव उसमें था ही नहीं। तो इस चीज़ को क्या समझें? अब उसका उसी समय उसका वो जो जयपुर का लड़का कहता है कि भाई बाबा जी इसमें जयपुर है ही नहीं। अब फिर उसके बाद में फिर उसके कर्मचारी आ जाते हैं, आप उसका रिएक्शन देखिए, उसके अभी भी वीडियो पड़ी हुई है, जब उसके कर्मचारी आते हैं उसको लड़के को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, बाबा खुद कहते हैं कि ठीक है बैठो बैठो, नहीं उसके कर्मचारी बाहर निकालते हैं, चलो ये बात को भी छोड़ दो। उसकी माताजी को कहता है वो, मम्मी ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप बिके हुए हो सब, मैं बिकूंगा नहीं, इस तरीके से वो बंदा कहता है। तो मुझे भैया इस चीज़ का कन्फर्मेशन क्यों नहीं मिल रहा कि मैं जिस तरीके से विश्वास कर लूँ इस पर, ये पूरी बात है, बात खत्म। राष्ट्र की मैं बताता हूँ, आप कभी किसी मुस्लिम राष्ट्र में गए हो? कोई भी आपका पत्रकार किसी मुस्लिम राष्ट्र में गए हैं? पाकिस्तान का हमारा सबसे पड़ोसी देश है, सबसे अच्छा देश है जो हमारे में से बना पाकिस्तान, वहाँ खुद रोज बम ब्लास्ट होते हैं, दयनीय स्थिति सर, मैंने वही कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करते हो, बाकी और भी कंट्री है? कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, मैं आप चलो आप कोई भी गल्फ कंट्री से ले लीजिए, आप कुवैत है, कुवैत से ले लो, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में अमेरिका से क्यों नहीं, अमेरिका में पूर्ण लोकतंत्र है, अमेरिका से देखिए अब आप बार तुलना की बात करते हो, आप हमारे मुंह में शब्द ना ठोसिए, आप एक बारी में एक क्वेश्चन पूछिएगा, अगर आप तुलना करते हैं, हम तो चाहते हैं अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, 47 में बंटवारा किस आधार पे हुआ, किस आधार पे हुआ बताइए, धर्म के आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, बिल्कुल, क्या था? आप मना करके दिखाइए, इशू थे बताइए क्या था? मुस्लिम लीग ने चाहा कि हम मुस्लिम लीग की 14 जो मांगे थी क्या थी बताइए, आप उसको छोड़िए, क्यों बताइए ना, मोटी सी बात आइए मुद्दे पे आइए, धर्म के आधार पे हमारा बंटवारा हो गया, हिंदू पाकिस्तान के नाम पे बंटवारा नहीं हुआ, आज भी 25 लाख लोगों को कत्ल करने की बात करता है एक बाबा, अरे बात करने से कुछ हो जाएगा क्या, बात करते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बात ही करने से कहीं शुरुआत होती किसी चीज की, पहले बात ही की जाती है। अच्छा आप बाबा की बात कर रहे हो, 25 लाख लोगों को कत्ल करने की बात करता है, नूह में हुआ, वहाँ आप लोग गए थे जब 5 लोग निर्दोष मारे गए, इससे पहले मुजफ्फरनगर में हुआ, वहाँ कौन गया था, आप लोग गए थे वहाँ पे 13-25 लोग मारे गए, पहले कैसे मारे जाते हैं, प्लानिंग होती है, पत्थरबाजी होती है, ठीक है, बंदूकें चलती हैं, प्रशासन रखा रहता है, कितने टाइम से हो रही है पत्थरबाजी, ये तो देखो कश्मीर से हटके अब यहाँ पे आ गया, ये मॉड्यूल कश्मीर से हटके यहाँ चल रहा है, बाद से आपने सुना होगा ऐसे क्यों हो रहा है, कभी आपने इस पर ध्यान दिया है 2014 के बाद से ही, 14 के बाद से नहीं, आप अपने आप को अपडेट करिए, कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीर 1990 नहीं था सर, कश्मीर के अलावा क्या था इंडिया में, ये जो मामला ये जो पैटर्न चला है पत्थरबाजी को 2014 के बाद में चला है, कहाँ चला है 2014 के बाद, कहाँ भारत में, छोड़ के भारत में, कश्मीर को छोड़ के बाकी भारत में जी क्यों चला है, क्यों चला है, क्यों चला है, ये आपने कभी सोचा, प्लानिंग वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये प्लानिंग कौन कौन सा समुदाय कर रहा है विशेष,
कौन से विषय समुदाय ने पथराव किया आज तक का रिकॉर्ड उठा के मुझे बताओ। सर बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादातर ऐसा होता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप कौन से स्टेट में रहते हो? मैं हरियाणा में रहता हूँ। आप हरियाणा में रहते हो, क्या आप मुझे जवाब देंगे हरियाणा में नू में क्या हुआ, नू में जो है गलत हुआ कि सही हुआ? ओवरऑल बात करिए, सरकार का फेलियर नहीं था क्या? ये सरकार का फेलियर नहीं था क्या? भैया जी मैं तो नोट मिल रहे थे एक तरह से, होने सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। अगर सरकारें कर रही हो तो आप लोगों को, हम लोगों को, ये मीडिया को जो चौथा स्तंभ बोलते हो ना, इनको जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। अगर सरकार कुछ कर ले तो, सरकार कुछ कर ही तो नहीं रही है। राजनीति हुई नहीं है, सारी राजनीति देखिए, पहले जो कांग्रेस ने 70 साल तक देश को जो है गड़बड़ किया, उसके बाद बीजेपी आ गई, उन्होंने अपने हिसाब से देश को गड़बड़ कर दिया। अब ये आम आदमी वाले चल रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो, सरकारें बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं? अगर इतना ये अच्छा कर रही हैं तो आज ये जो डिजिटल मीडिया, आप लोग जो मेरे वीडियो बना रहे हो, 2014 से पहले जब ये हमारा 2G 3G 5G 4G नहीं था तो कौन वीडियो बनाने देता था? मीडिया में जो दिखा रहे हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है वही दिखता है, वही चलता है। आप लोग चाह के भी नहीं चला सकते, आपका चैनल बंद कर देंगे। राजनीतिक का ही है सारा खेल, राजनीतिक का, सारा खेल राजनीति का। और इन राजनीति लोगों ने, आज मैं बताता हूँ, भाई साहब ने मेरे से अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि 2014 के बाद ऐसा कुछ होने लगा, आप राजनीति की बात करते हो। इनके मुंह से निकला कि बीजेपी के आने के बाद, मान लिया चलो अब तो बीजेपी जिम्मेवार है, 1990 में कांग्रेस जिम्मेवार थी, 84 में कांग्रेस जिम्मेवार थी, अब आम आदमी जिम्मेवार है, नांगलोई में मेरे यहाँ दंगे हुए, किराड़ी विधानसभा में, पार्टी जिम्मेवार है ना, पार्टी ही जिम्मेवार है या आम आदमी जिम्मेवार है बताओ? अब पार्टियां जिम्मेवार है, इसका मतलब हमारे सिस्टम में गड़बड़ है। लॉ एंड ऑर्डर आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं है, बीजेपी जिम्मेवार है। आप इन चीजों को मत देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर जब घर में 45 करोड़ रुपए लगते हैं तब लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है, तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से आ गया? 45 करोड़ रुपए आप लगा रहे हो घर में तब लॉ एंड ऑर्डर सब हो गया। आप मेरे क्षेत्र में चलिए, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, मैं पूरे चौथे स्तंभ मीडिया को मैं इन्वाइट करता हूँ, अगर कोई भी अपने आप को ये मानता है मीडिया के अंदर कि मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूँ तो चौथा स्तंभ हूँ, और उसके मैं उसी के करे खाने से मेरे घर का गुजारा होता है मीडिया से, वो मेरे किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जाके लोगों की सच्चाइयाँ दिखाए, वहाँ अपने आप आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ग्राम सभा की जमीन में मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, अभी हमारी 360 की पंचायत हुई, 360 की पंचायत में हमने डिसीजन लिया कि ग्राम सभा की जमीनों को देखा जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम अपनी ग्राम सभा की जमीन में गए तो वहाँ देखा हमने मदरसा और मस्जिद बन गया। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है क्योंकि मुसलमानी जो हमारे गांव की है वो हमारे को तो आज भी राखियाँ बांधती हैं, हमारे घर से ही गुजारा होता है, वो आज भी गरीब हैं। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, हमारे यहाँ तो जो हमने आज तक कभी कभी नहीं देखा कि कोई मस्जिद बनी हो, हमारी दी हुई जमीन है गांव की, और कभी कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हो। लेकिन पिछले 3 साल में 2 बार ऐसे वाक्यात हो गए कि हमारे क्षेत्र में 2 बार दंगे से प्रभावित होते होते बचे हम। चल ठीक है, बहुत ही